नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी मल्टीप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई की ट्रिक्स होती हैं जो एग्जाम में आपको बिल्कुल फंसेंगी और जहां से एकदम आप बिना पेन उठाए आप उन मल्टीप्लाई को कर सकते हो। ठीक है, एक जादुई ट्रिक है ये और काफी अच्छी ट्रिक है जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में या जो भी इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो गुणा भाग सीखना चाहते हैं और वो आपस में एक तरीके से एंजॉय भी करना चाहते हैं, ऐसी मल्टीप्लाई आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम मल्टीप्लाई की। देखिए, आमतौर पर जो मल्टीप्लाई होती है वो सभी को पता होता है कि 25×25 इस तरीके की मल्टीप्लाई आप सभी को पता होता है कि क्या करना होता है। ठीक है, जैसे कि 35×35, इन सभी मल्टीप्लाई को बहुत सारी वीडियोस में आपने देख लिया होगा और नहीं देखा होगा तो आज इसमें भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके की मल्टीप्लाई तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इस तरीके की मल्टीप्लाई को भी आप कर सकते हैं बिना पेन उठाए। जैसे आपकी 53×57 या 44×46 है, तो ऐसी मल्टीप्लाई को भी देखिए किस तरीके से हम करेंगे। पहले मैं इनको बता दूं, जो इसको आती होगी वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो किस तरीके से करेगा। देखिए, इसमें और इसमें क्या है, आपका एक चीज कॉमन है वो है 5। वो कॉमन है आपका 5 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ 5 5 5 5 5, लास्ट का वर्ड जो है वो क्या है, 5 है। तो यानी कि इस 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 5 में और हम लास्ट में लिख देंगे 25। ठीक है, ये तो लिख देंगे हम 25 और जो यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सेम ऐसे ही नंबर है, ये 5 है, ये 6 है। तो हम इससे जो अगले वाला नंबर है, 2 से जो अगले वाला नंबर है कौन सा, 3। अगर हम बात करें 5 से अगले वाला नंबर कौन सा है, 6। ठीक है, यहाँ पर नीचे नहीं लिखा इस वजह से नहीं कह रहा हूँ मैं। मान लीजिए आप यहाँ पर अगर कोई और वर्ड भी लिख देंगे, जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे 85×85, तो कॉमन क्या है इसमें, 5 5 और 5 5, और 8 से अगला वर्ड क्या होता है, 9। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे आप, आपको मल्टीप्लाई करनी होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, 4 से अगला 5 हो जाएगा और इससे 4 हो जाएगा, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, यानी कि 3×2 6। बाद में कितना लिखना है आपको, 25 और 4×3 12, यहाँ पर आपका 25 और यहाँ पर आपका जो है 20। यानी कि आप देखिए बिना पेन उठाए आप बता सकते हो। अब जैसे इसका बताना है आपको तो आपको कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या हो जाएगा, 25 और 5×6 कितना हो जाएगा, 30 25। इसकी मल्टीप्लाई आप साथ में करोगे तो कितना, 6 7 42 और बाद में क्या, 25, तो 42 25, 8 9 72 और बाद में 25। ठीक है, देखिए बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके की मल्टीप्लाई को। अब बात करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई तो आपने अक्सर कर सीख ली होगी और आपको आती भी होगी, और या फिर जो है नहीं आती थी तो आपने बिल्कुल सीख ली होगी इस तरीके की मल्टीप्लाई को। अब हम बात करेंगे ऐसी मल्टीप्लाई की, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप। जैसे इसमें देखिए क्या है आपका, 32×38, ठीक है, 44×46, 53×57 और 43×47, 64×66। देखिए इस वाले ट्रिक को आपको पहचानना कैसे पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट का वर्ड है वो वर्ड और जो इसके लास्ट का वर्ड है दोनों को ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए आपका, 10 बनना चाहिए और अगले वाला नंबर आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक आपको ध्यान में समझ आ गई होगी कि ये आपका लास्ट वाला जो नंबर है उसको ऐड करने के बाद तो 10 होना चाहिए और अगले वाला नंबर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, 4 4 और ये कितना हुआ, 6 और 4 10। इसमें ऐसे देखिए 7 और 3 10 और अगले वाले क्या है, नंबर सेम है, 7 और 3 10, अगले वाले नंबर क्या है, सेम है, 6 और 4 10 और अगले वाले नंबर क्या है आपके, सेम है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे आपका 31×39, 9 और 1 10 और अगले वाले नंबर क्या है आपके, सेम है। तो ट्रिक आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि जो पिछले वाले नंबर हैं आपके वो सेम होने चाहिए और बाकी जो नंबर हैं वो अगले नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई को हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे हम, जो 10 हुआ है इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना हुआ, 8×16।
आठ दूनी 16, और इस तीन से अगले वाला नंबर आपको पता है क्या आएगा, 4 आएगा। इससे अगले वाला नंबर आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। इससे अगले वाला नंबर आपके पास 6 आएगा। इससे अगले वाला नंबर आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगले वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना चाहती है, 12, 16। और देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई 6 चौक 24, और इस 4 से अगले वाला नंबर क्या आएगा, 20, तो 20 24, 7 21, और इस 5 से अगले वाला नंबर क्या आएगा, 6 5 6 30। आप बिल्कुल कैलकुलेटर से देख सकते हैं किस तरीके से हम इन मल्टीप्लाई को कर रहे हैं, कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा, और बिना पेन पेपर के आप इनको सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और देख लीजिएगा, जैसे आपने इसकी इसमें 43 × 47 करना है तो कितना, 21, और 4 से अगले वाला 20, यानी कि 20 21, 6 चौक 24, और 6 7 42 42 24, 9 1 9, तो आपको 0 और 9 लगाना है, ठीक है। 9 1 9 में आपको क्या करना है, 0 और 9 लगाना है, और इस 3 की गुना आप जो है किसमें करोगे, 3 चौक 12 1209 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर जहां पर भी आपको इस तरीके से दिखे 9 1 9, तो 0 और 9 लगाना है वहां पर आपको। तो इस तरीके की ट्रिक अगर आपको समझ आ गई होगी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, और क्वेश्चनों में भी आपके ये पुट होते हैं, जब कई बार लेंथ और ब्रेथ आपकी लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से दे देगा वो, ठीक है। मान लीजिए उसने आपको लंबाई दे दी कितनी, 44, और उसने चौड़ाई दे दी आपको 46, तो आपको उसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो वहां पर अप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से आपको LCM और HCF का जो आपका गुणनफल होता है वहां पर इस तरीके की संख्या लिख करके दे देता है, और उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होती है। फिर जो है इस तरीके के जो है आपको यूज, जब बड़ी मल्टीप्लाई होती है तो वो कहीं ना कहीं इन ट्रिक के माध्यम से उठा करके देता है, जिनको इन ट्रिक के बारे में पता होता है वो उसको उस मल्टीप्लाई को तुरंत सोल्व कर देंगे। इसके अलावा आपको जो है ये सिंप्लीफिकेशन में भी काम आ सकती है, बहुत सारी जगह ऐसी मल्टीप्लाई आपको काम आएंगी, और भी हम बेहतर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फास्ट तरीके से किसी भी मल्टीप्लाई को कर सकते हो। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, अगली वीडियो जो होगी हमारी वो कोई भी मल्टीप्लाई हो उसको तुरंत बिना पेन उठाए एक सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, इस टॉपिक पर होगी। आज के जो टॉपिक था वो था इस तरीके की वीडियो का, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।